हेलो रिवान, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह क्वेश्चन है कि सर क्लास होता क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास पे। तमाम क्वेश्चन के आते हैं कि क्लास कितने प्रकार के होते हैं, हम पहचानेंगे कैसे। तो आज सभी के सभी आपके जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं क्लॉज। तो क्लॉज, क्लॉज की हिंदी क्या होती है? क्लॉज की हिंदी होती है उपवाक्य। यानी हम कह सकते हैं कि क्लॉज की हिंदी होती है उपवाक्य। एक और इसकी हिंदी लिख सकते हैं वाक्य खंड, यानी वाक्य खंड हम लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं सेंटेंस पे कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस आप जानते ही हैं कि सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और जो भी हमारे अदर वर्ड होते हैं यह सेंटेंस में आते हैं। अब अदर वर्ड का मतलब क्या होता है? अदर वर्ड का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कंप्लीमेंट भी हो सकता है। ये यानी ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट वह अदर वर्ड के अंतर्गत आ जाता है। तो अगर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और अदर वर्ड हो तो वह सेंटेंस कहलाता है। अब आता है कि क्लॉज क्या होता है, तो एक एक करके देखते चलते हैं। अगर हमने लिखा कि आई एट, मैंने खाया, तो इसमें एक सब्जेक्ट है और इसमें एक हमारा वर्ब है, यानी कम्प्लीमेंट यानी अदर वर्ड या कम्प्लीमेंट जो भी हमारा है इसमें नहीं दिया है। तो अब यह पूछेंगे क्या यह एक सेंटेंस है? तो यह सेंटेंस नहीं है, यह एक क्लॉज है। यह एक क्लॉज है क्योंकि सेंटेंस होने के लिए हमारा सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और जो अदर वर्ड होता है वह अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होना चाहिए, तब तो वह सेंटेंस के कटघरी में आएगा, अन्यथा वह क्लॉज हो जाएगा। तो क्लॉज होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, अब उसको हम डिफिनीसन के माध्यम से देखते हैं। तो डिफिनीसन हो सकता है कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक बार और बोलते हैं या लिखते हैं कि क्लॉज, ये हो जाएगा क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो ये हो गया कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। लॉन्गर मतलब तुलनात्मक कुछ अधिक, यानी एक लंबे जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस का एक भाग होता है क्लॉज, इन विच जिसमें देयर विल बी अ सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट हो एंड अ वर्ब और उसमें एक वर्ब हो। तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कि बड़े से बड़े कोई भी सेंटेंस हो उसका एक छोटा सा पार्ट क्लॉज होता है और क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना आवश्यक होता है। तो अगर सब्जेक्ट है और वर्ब है तब तो वह क्लॉज है। तो इसलिए आई एट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है या अदर वर्ड नहीं है, कम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए यह क्लॉज है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया कि आई एट, मैंने खाया, तो क्या खाया, तो यहाँ पे कह रहा है कि यह क्लॉज है। तो अगर इसी में हमने जोड़ दिया अ मैंगो, आई एट अ मैंगो, तो अब यह क्या हो गया, तो आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया है, यहाँ वर्ब दिया है और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट भी है। तो लाजमी है कि जब सब्जेक्ट है, वर्ब है और अगर ऑब्जेक्ट है तो वह सेंटेंस होगा। तो इसलिए यानी यह सेंटेंस है जिसमें केवल सब्जेक्ट है, वर्ब है, वह क्लॉज है
और यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी है, तो वह हमारा सेंटेंस है। दूसरा कार्य होता है, क्या हम इस जो सब्जेक्ट और वर्ब दिया है, क्या इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस के लिए एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और अदर वर्ड, जिसमें ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। दूसरा कार्य है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट हो और एक हमारा प्रेडिकेट हो, ये हो। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे सेंटेंस में होते हैं। तो अब यहाँ पर दे रहा है कि सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट यानी कंप्लीमेंट हमारा नहीं है, तो यह क्लॉज है। दूसरा कार्य यह है कि आई एट अ मैंगो, यह सेंटेंस है। तो क्या अगला यह क्वेश्चन बन रहा है कि क्या यह जो सेंटेंस है यह क्लॉज है, यह ध्यान देना है आपको। तो यह फाइंड आउट कीजिए कि क्या यह क्लॉज है, सोचिए इसके बारे में। तो कोई भी अगर जो बड़ा से बड़ा हमारा जो सेंटेंस होता है वह क्लॉज ही होता है। अब यह कैसे समझ लेंगे, कैसे, ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता है कि नहीं हम कह दिए तो इसके बारे में होता है। तो अब इसके लिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यह सेंटेंस कैसे है, सॉरी क्लॉज कैसे, यानी सेंटेंस भी क्लॉज कैसे होता है, इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी आयु इस समय 25 वर्ष है, इस समय आपकी आयु 25 वर्ष है, यानी जीरो से लेकर के आप 25 तक पहुँचे हुए हैं। तो अगर इस समय आपसे पूछी जाती है कि क्या आप 50 साल के हैं, तो आप कहेंगे नहीं हैं। क्या आप 30 साल के हैं, तो नहीं हैं। लेकिन अगर वही पूछ दिया गया कि आप 20 साल के हैं, तो 20 साल के आयु को आप पार करते हुए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 20 साल की आयु को छुआ नहीं है, 20 साल की आयु को पार करते हुए गए हैं तब 25 तक पहुँचे। इस समय 25 तो वर्तमान में 25वां साल चल रहा है, लेकिन उसके पीछे आने वाले हर एक साल को आप टच करते हुए आए हैं। तो उसी तरह भी कहा गया है कि जो क्लॉज होता है वह एक सेंटेंस का पार्ट होता है, तो उस पार्ट को छूता हुआ वह सेंटेंस पूरा गया है। तो यानी इसमें अगर 20 साल समाहित है तो इसमें क्लॉज भी समाहित है। तो इसलिए सारे के सारे जो बड़े से बड़े सेंटेंस होते हैं वह क्लॉज भी होते हैं। तो जो हमारा यह सेंटेंस है यह क्लॉज भी होता है। अब एक और एक बड़ा सा एक सेंटेंस लेते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने सेंटेंस ले लिया कि आई, और ये हो गया कि वेंट देयर एंड मेट हिम when he was reading, ये हो गया कि I went there, मैं वहाँ गया, and met him, उससे मिला, when he was reading, जब वह पढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए कि I went there, यहाँ and से जुड़ा है, यहाँ when से जुड़ा है, इसमें एक सब्जेक्ट है यानी यहाँ तक, इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है यानी आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, एंड यहाँ पर भी आई होना चाहिए कि आई मेट हिम। तो चूँकि एक बार यहाँ पे आई आ गया है तो दूसरी बार उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए यहाँ फिर कर रहा है वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी देखिए एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो यानी एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज हमारा ये हुआ और एक क्लॉज ये हो गया, तीन क्लॉज इसमें आ गया, यानी सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें तीन क्लॉज हुए हैं। तो अब आता है कि अब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ जो क्लॉज है, अब यह क्लॉज तीन तरह के होते हैं, यानी क्लॉज को तीन तरह से देखा गया है। एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, तो अब ये कहेंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, यानी जो हमारा प्रधान उपवाक्य है वह कौन सा है। तो प्रधान उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज उसको कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट होता है, यानी जो स्वतंत्र होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता है
वह प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो अब इन तीनों में से कहेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, तो पहले देखते हैं कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, मेट हिम, उससे मिला, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। तो अब हम ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, तो कहेंगे कि आखिर प्रिंसिपल क्लॉज यह कैसे है, यानी जो पहले आया वह प्रिंसिपल क्लॉज है, ऐसा तो है नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि सबसे पहले मैं वहाँ गया तभी तो उससे मिला, और जब मैं उससे मिला तभी उसको देखा कि वह नाच रहा था या पढ़ रहा था या खेल रहा था या बैठा था, जो उसका कार्य था हमारे जाने के बाद ही, जब मैं उससे मिला उसके बाद ही हमको पता चला कि वह पढ़ रहा था या खेल रहा था या जो भी कर रहा था। तो पहला हमारा कार्य क्या है कि जब मैं गया तभी पाया, तो पहला जो कार्य है जो वही प्रधान है, तो इसलिए यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज के अंतर्गत आया। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। और ये हुआ हमारा जो उपवाक्य होते हैं। तो अब चूंकि यहाँ देखिए जो हमारा एक वर्ड है एंड, एंड से जुड़ा हुआ है, तो अब क्या हम कह सकते हैं एंड की जगह हम ऐसे जो वाक्य होते हैं बट से भी जोड़ सकते हैं, इसके लिए नॉर से भी जोड़ सकते हैं, और से भी जोड़ सकते हैं, उसके बाद एट से भी जोड़ सकते हैं, उसके बाद एज वेल एज से भी जोड़ सकते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस, तो ये सभी सभी हमारे कंजंक्शन है, तो जिन सेंटेंसेज को हम इन कंजंक्शन से जोड़ते हैं इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट, और ये होता है क्लॉज। यानी बट, नॉर है, और है, एट है, एज विल एज है, फॉर है, ये सभी जितने हमारे कंजंक्शन हैं या किसी कंजंक्शन से जोड़ करके जो भी वाक्य प्रारंभ किए जाते हैं उन वाक्यों को, उन क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अगला, अगला दिया है वेन। तो जितने भी हमारे WH फैमिली के जो वर्ड हैं, जिसको कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, जोड़ते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने के रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो जो WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड हैं वह है वाई है, वेन है, वेयर है, विच है, हाउ है। अगर इन जितने भी यह शब्द हमारे दिए गए हैं, वेन, वाई, वेयर, हाउ, विच, ये सारे जितने भी हमारे वर्ड हैं, अगर इन सबसे जुड़े हुए जो भी हमारे क्लॉज होते हैं, इन क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट और क्लॉज बोला जाता है। ये हो गया। तो यहाँ तीन क्लॉज हैं, आई वेंट देयर यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एंड मेट हिम यह कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और वेन ही वाज रीडिंग यह सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार जो हमारे क्लॉज हुए वह तीन तरह के हुए, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगला हमारा कंडीशन है कि हम क्लॉज के आधार पर, यानी अगर क्लॉज है और क्लॉज के आधार पर अगर हमको सेंटेंस को डिवाइड करना हो तो सेंटेंस को कितने प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्लॉज को कितने प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।